गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ हम बात करते हैं फैशन ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल पे। मेरा आज का वीडियो का टॉपिक है रक्षाबंधन आउटफिट 2020। हम सब जानते हैं रक्षाबंधन बहुत ही पास आ रहे हैं, बट हमारा सिचुएशन एक बार ऐसा है कि हम के शॉपिंग करने बाहर जा ही नहीं सकते। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्विट्स बताऊंगी कि आप ओल्ड आउटफिट को भी बहुत ही अच्छा एक न्यू लुक दे सकते हो और रक्षाबंधन में भी आप बहुत ही स्टाइलिश लग सकते हो। और सबसे बेस्ट बात तो है कि आपको टेलर के पास भी जाने का कोई जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे भी अपने लुक क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है जो हम सबके पास बहुत ही इजीली अवेलेबल रहता है और बहुत ही ज्यादा एवरग्रीन है, वो है स्ट्रेट कट कुर्तीज। अब स्ट्रेट कट कुर्तीज को बहुत ही डिफरेंट चीजों के साथ और बहुत ही तरीकों के साथ आप डिफरेंटली स्टाइल अप कर सकते हो। अगर आपके पास शॉर्ट कुर्तीज है तो आप शरारा के साथ स्टाइल अप करते, क्योंकि जो स्ट्रेट कट कुर्ती के जो लेंथ होते हैं, अगर आप उसे शरारा के साथ स्टाइल अप करते हो तो उतना अच्छा लुक नहीं आता है, क्योंकि शरारा का जो वो नीचे में जो डिजाइन होता है वो छुप जाता है। तो मेशर अगर आप शरारा के साथ स्टाइल अप करना चाह रहे हो तो आपका कुर्ती का लेंथ थोड़ा सा शॉर्ट हो, ज्यादा नहीं थोड़ा सा शॉर्ट हो। अगर आपके पास बहुत ही सिंपल सा कुर्ती है तो आप नीचे में कुछ बॉटम कुछ प्रिंटेड सा ले लीजिए, प्रिंटेड प्लाजोज ले लीजिए, प्रिंटेड स्कर्ट ले लीजिए, प्रिंटेड पैंट्स ले लीजिए, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपके पास प्रिंटेड में भी बॉटम्स कुछ नहीं है तो आप दुपट्टा प्रिंटेड ले सकते हो, आपका कुर्ती सिंपल हो गया, आपका बॉटम प्लेन हो गया, तो आपका दुपट्टा अगर प्रिंटेड होता है तो बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट होता है। सेम अगर आपके पास अगर कुर्ती प्रिंटेड है बहुत ही हैवी है तो आप नीचे बहुत ही कुछ प्लेन सा स्टाइल अप करिए, या तो पैंट या स्कर्ट या प्लाजो जो भी आपको मन हो, और दुपट्टा भी आप प्लेन भी रख सकते हैं और हैवी भी ले सकते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग गाउन हो लॉन्ग कुर्ती हो तो आप उसे बहुत ही एक हैवी दुपट्टा के साथ, अगर आपका जो गाउन है वो बहुत ही सिंपल है प्लेन कलर है तो आप उसे मल्टी कलर दुपट्टा के साथ भी स्टाइल अप कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो टैसल्स भी अपना चेंज कर सकते हो, बहुत ही लॉन्ग सा कोई आप टैसल्स ऐड कर दीजिए जिससे आपका जो आउटफिट का लुक है वो डिफरेंट लगता है। सेकेंड है वेस्टर्न टॉप विथ स्कर्ट्स। हमारे पास एथनिक आउटफिट तो बहुत ही कम अवेलेबल रहते हैं, पर हमारे पास वेस्टर्न आउटफिट जो है वो बहुत ही ज्यादा अवेलेबल रहते हैं। तो आप इसमें भी अपना लुक क्रिएट कर सकते हो। एथनिक लुक अगर आपको क्रिएट करना है तो आपके पास कोई भी अगर वेस्टर्न टॉप है, कोई बेल स्लीव का टॉप है, या फिर कोई भी हाई नेक का टॉप है, या फिर कोल्ड शोल्डर ऑफ शोल्डर, जैसे भी आपके पास कोई भी जो वेस्टर्न टॉप्स है आप उसे स्कर्ट के साथ आराम से पेयर अप कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत ही अच्छा कोई सिल्क का या फिर कोई प्लेन अगर आपके पास एथनिक स्कर्ट है तो आप उसे अपने वेस्टर्न टॉप के साथ आप आराम से पेयर कर सकते हो और इससे आप एक न्यू लुक भी क्रिएट कर सकते हो। थर्ड है ब्लाउज विथ लहंगा। अगर आप बहुत ही डिफरेंट लुक अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है आपके लिए। आपके पास अगर कोई भी अगर हैवी ब्लाउज हो, सामने बटन्स ना हो, या तो हाई नेक हो या बेल स्लीव्स हो, कोल्ड शोल्डर हो, बहुत ही स्टाइलिश अगर आपके पास कोई ब्लाउज है तो आप उसे भी लहंगा के साथ अच्छा से आप मैचअप कर सकते हो। आपके पास कोई हैवी लहंगा हो, कोई भी वर्क किया हुआ लहंगा हो, सिंपल लहंगा भी आप ले सकते हो। अगर आपके पास प्रिंटेड स्कर्ट्स हो या थोड़ा सा हैवी स्कर्ट हो आप वो भी मैचअप कर सकते हो एक हैवी दुपट्टा के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ट्रेंडी लगता है और बहुत ही डिफरेंट आउटफिट क्रिएट होता है। फोर्थ पॉइंट है जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है वो है एक्सेसरीज। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपके पास ड्रेस है वो बहुत ही सिंपल है, कोई उतने अच्छे बॉटम्स नहीं है, दुपट्टा उतने मैचिंग के नहीं है, तो कोई बात नहीं है, इतना टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपना एक्सेसरीज चेंज कर लीजिए। आप कोई लॉन्ग इयररिंग पेयर अप कर लीजिए, सिल्वर ऑक्सीडाइज इयररिंग ले लीजिए, सिल्वर ऑक्सीडाइज नेक पीस ले लीजिए, अभी लेयर नेक पीस बहुत फैशन में है वो पेयर अप कर सकते हो, चोकर फैशन में कर सकते हो, आप जो अपना हेयर स्टाइल है उसको भी आप चेंज करके लुक क्रिएट कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपना एक एथनिक लुक क्रिएट करने का। नेक्स्ट पॉइंट है दुपट्टा ड्रेपिंग। ये भी बहुत ही कमाल का ऑप्शन होगा, जब हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो तो ये ऑप्शन भी सबसे बेस्ट वर्क करते हैं। आपके पास जो भी सिंपल आउटफिट हो या हैवी आउटफिट हो जो आपने ऑलरेडी बहुत बार पहन चुका है, आप वही सेम आउटफिट इसमें भी पहन लीजिए, बट अपना जो दुपट्टा है उसका आप ड्रेपिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप साड़ी जैसे अपने ड्रेप करते हैं वैसे आप दुपट्टा ड्रेप कर सकते हो, आप जैकेट स्टाइल दुपट्टा ड्रेप कर सकते हो, आप फॉल दुपट्टा ड्रेप कर सकते हो। आप दुपट्टा को थोड़ा अलग अलग वैरायटी में ड्रेप कर लीजिए, आप दुपट्टा के साथ बेल्ट भी पेयर अप कर सकते हो जब ये बहुत ज्यादा फैशन में है, तो इस तरह अपना न्यू लुक भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके
पास घर में कुछ बॉर्डर्स है, कुछ बूटास है, कुछ मिरर्स है, तो आप अपने आउटफिट में ऐड आराम से कर सकते हो। आपको टेलर के पास जाने का कोई जरूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। मार्केट से फैब्रिक ग्लू खरीद लीजिए और उसे लगा के आप कोई भी, अगर आपको बॉर्डर चेंज करना है आप दूसरा बॉर्डर पेस्ट कर दीजिए, कुछ मिरर्स ऐड करना है वो कर दीजिए, कुछ बूटास ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है फैब्रिक ग्लू, इससे कपड़े भी खराब नहीं होते हैं, वॉश करने के बाद भी नहीं उतरते हैं, तो आप इससे भी अपने ओल्ड आउटफिट का लुक न्यू कर सकते हो। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। इन सब में से आपको सबसे बेस्ट टिप कौन सा लगा मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। See you in the next video. Bye bye.